हल्का सुजानपुर के अधीन पड़ते माधोपुर बेड़िया कोठे गांव मार्ग की दयनीय हालत गाँव वासियों ने आज मौजूदा पंजाब सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि रोड को बनाने के लिए भले ही रोड़ी बजरा डाल दिया गया हो, लेकिन पिछले एक साल से इसी सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने रोड का निर्माण कार्य जल्दी से शुरू करवाने की मांग की है। नमस्कार, मैं हाँ अमित भगत है, तुसी देख रहे हो टुडे हेडलाइंस। इस वेले मैं मौजूद हाँ माधोपुर तो शहर शनी रोड नूं, जिथे कि रोड का जिहड़ा काम लग्गिया सी तकरीबन एक साल तो ज़्यादा का समय हो चुके इस रोड का काम लगे हुए, पर लेकिन अज तक इस रोड का काम जिहड़ा कंप्लीट नहीं किया गया। अज पिंड वासियों वल्लों इस रोड के काम का रुके होने के कारण अज जिहड़ा धरना प्रदर्शन जिहड़ा इत्थे किया गया है, तो लोगों का की कहना है आओ देखते हैं इस रिपोर्ट के विच। जनकराज प्रधान कमेटी बाबा शेरशाह बली दरबार मौजूदा पंचायत मैंबर बेड़ी बजुर्ग, सब तो पहला मैं थोड़े इतने आने का धन्यवाद करदा। तो सब तो पहला जिहड़ी अपनी साड़ी ये सड़क जो पिछले कोई 8-9 महीने तो लगातार खराब चल रही है, जिहदा टेंडर BS सैनी ठेकेदार नूं दित्ता गया सीगा, सारे पेपर की कंप्लीट कंप्लीशन होने के बावजूद भी ये सड़क का काम जिहड़ा ना अधूरा पिया आ, जिहदे विच बहुत सारे बजुर्गों के आन जाण की बच्चों के पढ़ जाण की इन्नी क तंगी है भी हिसाब कोई नहीं। कई बच्चे जिहड़े हैगे ना वो फ्रैक्चर होया, कई दे लत्तां बाहां टुटियां, पर प्रशासन जिहड़ा हैगा ना वो कुंभ करनी नींदर सुत्ता आया। मेरी प्रशासन नूं ये चेतावनी आ कि इस सड़क नूं मंडी बोर्ड के अधिकारियों नूं नाल लै के छेती तो छेती कंप्लीट करन की कृपालता की जाए, नहीं तां इन्हां पिंडां दे जिहड़े 25 पिंडां दे लोकी जिहड़े हैगे ना बहुत वड्डा संघर्ष करन लई तैयार ने, क्योंकि इन्ना ज़्यादा सफर इन्ना ज़्यादा नुकसान इन्हां लोकां दा हो रहा भी बिना मतलब परेशानी का इन्ना क हदों सारियां हदां टप गईआं। इस करके मैं खास करके मंडी बोर्ड दे अधिकारियों नूं जिन्हां दी इह जिम्मेवारी है, जिहड़े 2-2 लाख रुपया तनखाह लै रहे आ अंदर बढ़ के एयर कंडीशनर कमरे विच बैठे रहे, वो लोगों के प्रति जवाबदेह आ, उन्हों का फर्ज बनता लोगों की आके तकलीफा देखन, लोगों का आके सुधार कर, नहीं तो ये लोग जिहड़ा कहना एडा वड्डा संघर्ष करन नूं तैयार है कोई हदों वध आ। मेरी प्रशासन नूं फिर बेनती है कि इस सड़क के बल जी है जो सांझे चुल्हे तो लैके माधोपुर हेडवर्स तक जिन्हों 25 पिंड मिलते हैं उन्हों छेती तो छेती कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। पहले इन्हों को बहाना सगा भी रेनी सीजन चलता पा, बरसात चलती पी है, हूँ कोई रेनी सीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनू छेती तो छेती कंप्लीट करने की कोशिश की जाए, नहीं तो यह लोग इन्ना क संघर्ष करे कि इन्हों कमर बाहर कट के कमर अंदर डकनगे। एक साल हो गया, एक साल तो वह समा बीत चुका जिदा ए बारे कोई इन्हों ध्यान नहीं है। जे किसी ने उद्घाटन करना तो फोटो खिचाण वास्ते बहुत सब तो पहला ध्यान दिया गया, अज फलाना वो आ रहा, अज ढींगड़ा आ रहा है, कोई सारे पार्टियां जड़िया इधर मौजूद लै रही है मजा देख रही है। मेरी बेनती है, मेरी पुरजोर अपील है कि इन्हों इस सड़क वास्ते तैयार करने वास्ते पहल के आधार से इन जो कंप्लीट किया जाए। नाम है जी अपना? अपना नाम है जी मस्कीन अली। सब तो बाद मैं थोड़ा धन्यवाद करना इतों आदि, असी इस रस्ते की अपील करने वास्ते इतने इस वास्ते कट्ठे हुए सारे जो भी गुजर बरादरी जो भी अपने पिंड के जो 25 पिंड सारे इतने कट्ठे हुए है कि यह रस्ता कम से कम साल का एक साल का पेंडीगरे का काम पिया है, कम सारा कंप्लीट है, सिर्फ लोग नहीं पा रहे है ये करके भी ये कहते लत्तां बाहां टुटे कर किसी दियाँ किसी से कुछ हो रहा किसी से कुछ हो रहा, इतने 25 मिंट आवाजाही है, 25 मिनट आवाजाही है, सारे आन जाने इतने सारे आम जा आवाजाही है, जो माधोपुर लखनपुर जो इधर पिंडा सारे आवाजाही है। इस करके साड़ी इन्नी बेनती है कि यह रस्ता बनाया जाए। रोड बनाओ साडा, इतने लोग परेशान, दुनिया बड़ी है, मेरा सैकल डिग पिया, हालत टुट गई है, जिससे लोग टायर फटन रहे, बच्चे डिगन रहे, बड़ी मुश्किल है, साल हो गया पाया रोड़ी वो सैनी ठेकदा जो दौड़ गया, चाहे इन बनाओ तो चाहे भी पुट्टी ले जी रोड़ी है, तुम चाहे भी पुट्टी ले जाओ, तुम अंदर कमरे स्टेज बैठे दो, इतने आइए देखो पैर नंगे पैर चलो एक बारी तुम्हें पता लग कि चल रहा है। इज हैप्पी इस गांव में छन कोठे
मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम हर रोज़ इस गांव से रोड से गुजरते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये रोड कठुआ से बिलोंग करता है। तो हम यही चाहते हैं कि ये कम से कम काफ़ी देर से ये नहीं बना, जो काम लगा था फिर रुक गया काम। तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग मजदूर सभी जो काम पे जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कि जहाँ तक कि हमें भी बहुत दिक्कत होती है जाने के लिए। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये रोड जल्दी से जल्द बनाया जाए। A1 हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिजॉर्ट या फिर अपनी कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वेराइटी मिलेगी आपको केवल A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट, द बिगेस्ट होलसेलर एंड लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग इन द रीजन। A1 हैंडीक्राफ्ट है मैन्युफैक्चरर, कस्टमाइजर, इनोवेटर, बल्क सप्लायर्स एंड होलसेलर। A1 हैंडीक्राफ्ट Our product range are wall art, vases and planters, mirrors and cloths, figures and statues, artificial trees, floor and table lamps, consoles and nesting tables, chandeliers and much more. A1 Handicraft की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर product जंग रहित है। जी हाँ, रस्ट फ्री, ये सब मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। हिमाचल प्रदेश में जम्मू के लिए भी थोक में परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए A1 हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। A1 हैंडीक्राफ्ट, अ यूनिट ऑफ A1 केक्स एंड बेक, एडजॉइनिंग स्ट्रीट A1 केक्स एंड बेक, नजदीक पीर बाबा चौक, ढंग रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9417604147, 9780546468। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540060113।